हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे जीके का एक शानदार सेशन। और इस सेशन में हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से बुक किस किस ऑथर ने लिखे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जो लोग सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, और स्पेशली ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मैं वो टॉप क्वेश्चंस बताने वाला हूँ बुक और ऑथर से रिलेटेड, यानी कि पुस्तक और उससे लेखक से रिलेटेड, जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ये रहे कुछ बुक और ऑथर जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो बुक है वो है माई ब्रीफ हिस्ट्री। बुक का नाम है माई ब्रीफ हिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, और इस बुक को किसने लिखा है? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस के बारे में आपने सुना होगा, काफी बड़े साइंटिस्ट थे और जिनका स्पेशली फिजिक्स की दुनिया में काफी बड़ा योगदान रहा है। और स्पेशली वो जो उनका जो रिसर्च था बिग बैंग थ्योरी के ऊपर, जिसपे आज भी काम चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। याद रखिएगा, बुक का नाम माई ब्रीफ हिस्ट्री, और लिखा है किसने? स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है इस बुक को। देखिए दूसरा बुक है 41। 41 किसने लिखा है? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा लिखा गया है 41। बुक का नाम याद रखिएगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा इतिहास रहा है जॉर्ज बुश का। और इन्हीं के समय आतंकवादी सद्दाम हुसैन को फांसी में चढ़ा दिया गया था। तो याद रखिएगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? 41। चलिए आगे देखिए, द पब्लिक इंटेलेक्चुअल बुक लिखा है रोमिला थापर ने। द पब्लिक इंटेलेक्चुअल इंडिया बुक लिखा है रोमिला थापर ने। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, द पब्लिक इंटेलेक्चुअल इंडिया काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो बुक का नाम है वो है हिटलर बायोग्राफिक। हिटलर बायोग्राफिक लिखा है पीटर लॉन्गरिच के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल, हिटलर बायोग्राफिक काफी इंपॉर्टेंट है और इससे पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, हिटलर बायोग्राफिक किसने लिखा है? तो पीटर लॉन्गरिच के द्वारा लिखा गया बुक है। चलिए आगे देखिए, शान बढ़ाने आया हूँ। शान बढ़ाने आया हूँ काफी अच्छी बुक है, और काफी अच्छी तरह से इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छी तरह से कलेक्ट करके, मतलब शानदार तरीके से लिखा गया बुक है। और किसने लिखा है याद रखिएगा? ये लिखा है कृष्ण मोहन झा ने। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुक का नाम है शान बढ़ाने आया हूँ, और बुक के लेखक कौन है? कृष्ण मोहन झा। चलिए आगे देखिए, गॉड्स ऑफ करप्शन प्रोमिला शंकर के द्वारा लिखा गया है। रोमिला थापर अलग है, प्रोमिला शंकर अलग है। गॉड्स ऑफ करप्शन प्रोमिला शंकर के द्वारा लिखी गई काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसके बारे में एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका जो ये सेशन जीके का है, अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिला और आप लोगों ने जीके के सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया, तो मैं ये सेशन हर दिन के लिए कंटिन्यू कर दूंगा, जिसमें अलग अलग टॉपिक से, किसी दिन आज ऑथर लेकर आया हूँ, तो किसी दिन स्पेशली अलग ज्योग्राफी के टर्म, जैसे कौन सी नदी कहाँ से बहती है, फॉर एग्जाम्पल किस देश में पहला कौन है, इस देश में पहली महिला कौन है, एक एक टॉपिक को मैं अच्छी तरह से क्लियर करवाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट इस सेशन को बना दूंगा अगर आपका सपोर्ट मिला तो। और काफी इंपॉर्टेंट बना दूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। और आप इस सेशन को इंजॉय कर रहे हैं तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो बुक है वो है चेंजिंग इंडिया। और चेंजिंग इंडिया कौन लिखे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से 2004 से लेकर 14 तक 10 साल प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे, और उनके बाद फिर 2014 में उनके चुनाव हारने के पश्चात क्या होता है कि मनमोहन सिंह के हार जाने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए आगे देखिए, बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट इन माई वे बुक किसने लिखी है बताइए? काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है,
और ये बुक लिखा है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी ने इस बुक को लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि जैसा आपको पता है कि आज 7 जुलाई है, तो आज भारत के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी का जन्मदिन है और काफी इंपॉर्टेंट है ये दिन, क्योंकि भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने के क्षेत्र में धोनी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए माही सर को हम लोग सभी और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे, और आप भी अच्छी तरह से विश कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है हाफ गर्लफ्रेंड। आपको पता है कि रिसेंटली साल भर पहले एक मूवी बनी थी हाफ गर्लफ्रेंड, और जिसमें अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर ने एक्ट किया था। आपको ये बताना है कि उसके राइटर कौन थे। वही बुक जो वो जो मूवी बनी थी वो इसी बुक को बेस मानकर बनाया गया था। तो उसके राइटर कौन थे, चेतन भगत जी थे। काफी इंपॉर्टेंट नाम है। चेतन भगत जी के कुछ कुछ जो बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड और जैसे 5 पॉइंट्स वगैरह कुछ बुक्स हैं जिसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तो वो बुक काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ध्यान में रखिएगा, हाफ गर्लफ्रेंड बुक चेतन भगत ने लिखी है, एक IITian है और काफी शान शौकत है लेखन की दुनिया में उनकी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे जो बुक है उसका नाम है बर्थ ऑफ सिनेमा। काफी इंपॉर्टेंट है बर्थ ऑफ सिनेमा, और ये रिपीटेडली पूछा भी गया है इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बर्थ ऑफ सिनेमा ये बुक किसने लिखा है बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल, गोपाल कृष्ण के द्वारा बर्थ ऑफ सिनेमा बुक लिखा गया है। गोपाल कृष्ण सर के द्वारा बर्थ ऑफ सिनेमा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किरण बेदी ने लिखा है। आपको पता है कि कुछ साल पहले किरण बेदी, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल ये सारे लोग धरने पर उतर आए थे, और इनका उद्देश्य था कि देश में लोकपाल को लागू पूरी तरह से कर दिया जाए, अच्छी तरह से लागू कर दिया जाए। इसकी वजह से ये धरना पे ये लोग आ गए थे, और वो वक्त था जब किरण बेदी ने लिख डाला था पुस्तक भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किरण बेदी मैम द्वारा लिखा गया काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ये एक बंगाली राइटर है, पर इसका हिंदी संस्करण और दूसरे अन्य भाषाओं में संस्करण भी उपलब्ध है। काफी अच्छी बुक है चरित्रहीन, आप चाहें तो मार्केट से लेकर पढ़ सकते हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस इससे मिल जाएगा। चलिए किसने लिखा है चरित्रहीन, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ए गाइड टू प्राइवेट इक्विट बुक के लेखक कौन है, तो नेहा भुवानिया एक गाइड टू प्राइवेट इक्विट बुक की लेखिका हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, अ बिलियन इज इनफ काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बुक किसने लिखा है जल्दी बताइए। ये बुक लिखा है नटवर सिंह ने, एक अ बिलियन इज इनफ काफी इंपॉर्टेंट बुक है, और रिपीटेडली ये बुक जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिए, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है, क्योंकि वो गीता का रेगुलर स्टडी किया करते थे और काफी गीता के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बुक में लिखी है, याद रखिएगा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट हमारा जो आज का सेशन का लास्ट बुक है वो है अनब्रेकेबल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसे लिखा है मैरी कॉम ने। आपको पता है कि मुक्केबाजी के क्षेत्र में मैरी कॉम ने ओलंपिक में भी पदक हासिल किया है, और काफी इंपॉर्टेंट है मैरी कॉम का नाम भारतीय इतिहास में मुक्केबाजी के क्षेत्र में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक थे जिसके राइटर के बारे में मैंने अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया है। आशा करता हूँ आप भी इसे अच्छी तरह से 2-3 बार रिपीट करेंगे, वीडियो को देखिए 2-3 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, आपको लिखने की और अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने सारे लोग अधिक जुड़ेंगे चैनल में उतना ही मैं नए नए वीडियो आपके लिए जीके के स्पेशल लाता रहूँगा। और आपको पता है कि कमिंग डेज में एग्ज़ाम होने वाले हैं, RRB, NTPC, ग्रुप डी, रेलवेज के बहुत सारे वैकेंसीज जो पेंडिंग पड़े हुए हैं सारे का एग्ज़ाम होगा, और साथ में झारखंड स्टेट से बहुत सारे वैकेंसीज की प्लानिंग हो रही है। तो रेगुलर जुड़े रहिए, सारे जॉब की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तैयारी करने की, एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आखिर गवर्नमेंट जॉब को कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे तैयारी की जाती है काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के साथ।
तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारी चीज जो जीके के मैं पढ़ा रहा हूँ उसे रिविजन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में अपने जितने सारे पहचान के हैं उन्हें भी चैनल शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।